हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका विप्स क्रिएशन पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन म्यूजिक के लेजेंड कहे जाने वाले एआर रहमान के बारे में। इस वीडियो में इनकी लाइफ स्टाइल, बायोग्राफी और लाइफ स्टोरी दिखाने वाले। अगर आप भी एआर रहमान के फैन हैं और इनकी वीडियोस पसंद करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए बात करते हैं इनके बर्थ नेम की। तो इनका बर्थ नेम है एएस दिलीप कुमार। रियल नेम में इनका अल्लाह रखा रहमान, जिसे हम एआर रहमान के नाम से जानते हैं। प्रोफेशन से एक म्यूजिक डायरेक्टर है और एक सिंगर है। बात करें इनके पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में तो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 6 जनवरी 1967। एज की बात करें तो 53 साल के हो चुके हैं 2020 के हिसाब से। बर्थ प्लेस इनका चेन्नई, जो कि तमिलनाडु इंडिया में है। बात कर लेते हैं एआर रहमान के एजुकेशन के बारे में तो इन्होंने अपनी स्कूलिंग पद्म सादरी बाल भवन चेन्नई से स्कूलिंग कंप्लीट की है। कॉलेज रहा इनका मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई, जो कि इंडिया में है। इसके अलावा इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम से भी कॉलेजिंग कम्प्लीट की है। क्वालिफिकेशन में इन्होंने डिग्री कर रखी है वेस्टर्न क्लासिक म्यूजिक में। चलिए बात कर लेते हैं इनके फिजिकल इन्फॉर्मेशन के बारे में तो एआर रहमान की हाइट है 5.5 फीट और वेट है 70 kg। आई कलर इनका ब्लैक है और हेयर कलर भी इनका ब्लैक ही है। नेशनलिटी से एक इंडियन है और रिलीजन इनका इस्लाम है। चलिए बात करते हैं एआर रहमान के करियर के बारे में तो इन्होंने अपना डेब्यू किया था म्यूजिक डायरेक्टर फिल्म रोजा से, जो कि 1992 में आई थी। इन्होंने तमिल और हिंदी दोनों में डेब्यू किया था। डेब्यू म्यूजिक एल्बम रहा इनका वंदे मातरम, जो कि 1997 में लॉन्च किया था इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने कई बड़ी मूवी में काम कर रखा है, इन्हें आप देख सकते हैं इस वीडियो में। इसमें है ओके जानू में है, मोम है, मार्शल है, रांझना, हाईवे जैसी कई बड़ी हिट फिल्में में कार्य कर रखा है इन्होंने। चलिए बात कर लेते हैं एआर रहमान के अवार्ड्स के बारे में तो इन्होंने 6 बार नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं, 15 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी विजेता है ये, 16 बार साउथ फिल्म फेयर अवार्ड विजेता है और 1 बार पद्मश्री से भी नवाजा गया है इनको। चलिए बात करते हैं इनके फैमिली के बारे में तो इनके फादर है जिनका नाम है आर के शेखर, इनकी मदर का नाम है कस्तूरी शेखर, जो बाद में करीमा बेगम हुआ। इनकी 3 बहनें हैं, इनका नाम है एआर रहीमा, फातिमा रफीक एंड इशरात कार्ती। इनकी वाइफ का नाम है सायरा बानू। इनका एक सन है जिसका नाम है एआर अमीन और इनकी 2 डॉटर है, खतीजा एंड रहीमा। इन्हें आप देख सकते हैं इस वीडियो में अच्छे से। चलिए बात करते हैं एआर रहमान की हॉबीज के बारे में तो इनकी हॉबीज है कीबोर्ड के साथ खेलना। बात करें एआर रहमान के फेवरेट्स के बारे में तो इनका फेवरेट कलर है रेड एंड ब्लैक। फेवरेट फूड है पालक पनीर एंड रस्म राइस। फेवरेट डेस्टिनेशन की बात कर ली जाए तो लंदन और मुंबई इनकी फेवरेट डेस्टिनेशन है। चलिए बात कर लेते हैं इनके कार कलेक्शन के बारे में तो एआर रहमान के पास बेंटले GTS है, जिसकी प्राइस लगभग 3.2 करोड़ रुपए है। मर्सिडीज बेंज है, जो कि 3 करोड़ के आसपास की प्राइस रखती है। और नेक्स्ट कार है इनकी ऑडी, जो कि 2 करोड़ रुपए बेस्ट प्राइस है इसकी। बात कर लेते हैं इनके इनकम के बारे में तो ये पर सॉन्ग 4 करोड़ पे चार्ज करते हैं, पर मूवी 9 करोड़ और लाइव कंसर्ट के 2 करोड़ पर आवर्स चार्ज करते हैं ये। अब लास्ट में बात करते हैं इनके नेटवर्थ के बारे में तो एआर रहमान का नेटवर्थ है 300 करोड़ की अप्रोक्स।